गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.4 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 में आपके पास जो क्वेश्चंस था वो कुछ इस तरीके का था। क्वेश्चंस ये कह रहा था कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ़ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइजेस 1 to 17। तो एक्सरसाइज में 1 से 17 तक जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है, अगर इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के यूज़ करके हमें ए इनवर्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि ए इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, और मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स में ये भी बताया था, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स में चेंज किया था और मैंने उसको एक्सपेंड करना आपको सिखाया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये आपके पास ए है, हमने इसका डिटर्मिनेंट्स बना लिया मॉड ए। मॉड ए किस तरीके से बनेगा, आपके पास इस तरह से दो लाइंस यहाँ पर खींचेंगे और एलिमेंट्स को रखेंगे, और 2x2 का जो डिटर्मिनेंट्स होता है उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और बीच में आपने क्या माइनस साइन यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 3+2=5। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि मॉड 5 क्या है, मतलब मॉड ए की जो वैल्यू है 5 है और वो क्या डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर मॉड ए की वैल्यू 0 हो रही है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब अगर मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और ये मैंने आपको क्या बताए थे, ये मैंने आपको यहाँ पर क्या बताए थे कि मॉड ए आपके पास क्या होगा, 2x2 मॉड ए क्या होगा, 2x2 में देखिए किस तरीके एक्सपेंड करेंगे और 3x3 में किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, ये आपके पास इसका सोल्यूशन है इस तरीके से। तो चलिए अब हम यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि आप हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज़ करेंगे, रो ऑपरेशन का। तो रो ऑपरेशन के लिए हम लोग ए इज इक्वल टू आई ए यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो रो ऑपरेशन के लिए चलिए यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, let a is equal to i into a। और यहाँ पर पहले आप a को रखेंगे 1, 2, -1, 3 is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर रखेंगे 1, 0, 0, 1। और यहाँ पर आप a को रखेंगे, ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो यहाँ पर बनी हुई है इसको हम यहाँ पर, ये मैट्रिक्स हमें यहाँ पर बनानी है। ठीक है, चलिए ये मैट्रिक्स अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपको टिप्स हम बता रहे हैं उसी टिप्स का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके पास। इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा आपके पास। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पहले आप क्या करेंगे 1, उसके नीचे 0 और फिर यहाँ पर 0। ठीक है ना, पहले 1 उसके नीचे 0 बनाएंगे, फिर ये 1 करेंगे और फिर इसके बाद में इसको 0 करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर 1 बनाते हैं, तो 1 तो हमारे पास बना हुआ है, इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे 0 यूज़ करेंगे। तो चलिए आप अगर ध्यान दें, इसको अगर 0 करना है तो ये देखिए R1 है, ये R2 है, चेंजमेंट किस में कर रहे हैं, R2 में। तो जिसमें चेंजमेंट करना है उसको हम ऐसे लिखेंगे R2 tends to, तो R2 tends to क्या लिखेंगे, R2 tends to यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो R2 में क्या कर रहे हैं, R2 minus 2R1। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू हो जाएगी, ये देखिए 1 है, -1 है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -2, और 3 -2 क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू को देखेंगे, जो ऑपरेशन आपका राइट साइड पे लग रहा है, लेफ्ट साइड पे लग रहा है, वही ऑपरेशन राइट साइड पे भी यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास 1, 0 है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इससे माइनस करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 और 0 में से 2 को माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी -2। इसके बाद में यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 0 और 0 को 1 से माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी 1। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या करना है हमें, कि a इज इक्वल टू आई इन टू ए, जब आप रो ऑपरेशन का यूज़ करेंगे तो a इज इक्वल टू आई इन टू ए यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से a की वैल्यू पुट करेंगे, i की वैल्यू पुट करेंगे और a को लिखेंगे। अब यहाँ पर आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये यहाँ पर हमें
यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है रो ऑपरेशन का यूज़ करके ये यहाँ पर हमें ले आनी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप क्या होंगे, पहले वन, उसके नीचे जीरो करेंगे, फिर वन करेंगे, फिर ऊपर वाला टर्म जीरो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वन करेंगे, उसके नीचे जीरो करेंगे, फिर आपके पास वन बनाएंगे और इसके नीचे जीरो करेंगे, ऑपरेशन रो ऑपरेशन का यूज़ करके। तो देखिए यहाँ पर वन बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अभी इसको ज़ीरो करना है। ज़ीरो करने के लिए अगर आप ध्यान दो, देखिए वन से आप इसको देखो, अगर टू से इसको मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दो, ज़ीरो हो जाएगा। चेंजमेंट किस में कर रहे हैं, आर टू में, तो जिसमें चेंजमेंट करेंगे उसको आप लिखोगे तो आर टू टेंस टू, ठीक है। चेंजमेंट इस तरह से आप लिखोगे आर टू टेंस टू। अब क्या चेंजमेंट कर रहे हो, देखो आर टू में क्या कर रहे हैं, आर वन में टू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आर वन रो है, ठीक है। इसमें अगर टू का मल्टीप्लाई करो तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आर वन रो में। तो आर वन रो में आप टू का मल्टीप्लाई कर रहे हो और टू का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किससे, आर टू से। तो आर टू माइनस टू आर वन। अब ये जो ऑपरेशन मिला ये आप दोनों साइड यूज़ करोगे, तो ये वैल्यू आपके पास चेंजमेंट नहीं हो रही है, इसको आप ऐसे ही लिख दोगे। अब यहाँ पर क्या करोगे, टू का मल्टीप्लाई करोगे और टू माइनस टू जीरो, इसमें टू का मल्टीप्लाई करोगे माइनस टू और थ्री माइनस माइनस टू प्लस फाइव हो गया। इसके बाद यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई करोगे टू और जीरो से टू को माइनस करोगे माइनस टू, इसमें टू का मल्टीप्लाई करोगे जीरो और वन माइनस जीरो कितना हो जाएगा, वन। चलिए अब यहाँ पर लास्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर वन चाहिए। अगर वन चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करोगे कि आर टू, ठीक है, जब भी लास्ट में यहाँ पर वन चाहिए तो आप जो भी वैल्यू आपके पास दिख रही है उसको आप सीधे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा वन बाई फाइव आर टू। आर टू में क्या करेंगे, वन बाई फाइव आर टू। चलिए तो ये हो जाएगा आपके पास ज़ीरो माइनस वन, सॉरी वन है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ फाइव से डिवाइड करोगे ज़ीरो, यहाँ फाइव से डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी वन, ठीक है, इज इक्वल टू। इसके बाद में ये आपके पास है वन, ये ज़ीरो, यहाँ पर फाइव से डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी माइनस का टू बाई फाइव, यहाँ फाइव से डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी वन बाई फाइव, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एट लास्ट इसको ज़ीरो करना है। आप ध्यान से देखो, इससे ज़ीरो इसको करेंगे, ठीक है ना, इस वैल्यू से इसको ज़ीरो करेंगे, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दो ज़ीरो हो जाएगा। तो चेंजमेंट किस में कर रहे हैं, आर वन में, तो आर वन टाइम्स टू लिखेंगे। क्या चेंजमेंट कर रहे हैं, आर वन प्लस आर टू कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए वन प्लस ज़ीरो वन, एंड माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो वन, वन माइनस टू बाई फाइव। देखिए वन से जब टू बाई फाइव को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी थ्री बाई फाइव, वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री बाई फाइव, और सॉरी ऐड करना है। और ज़ीरो और वन बाई फाइव को ऐड करेंगे तो ज़ीरो और वन बाई फाइव को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी वन बाई फाइव, ठीक है। और ये क्या है, माइनस टू बाई फाइव, और ये आपके पास है वन बाई फाइव, एंड ये क्या है ए। अब ए को हम इधर ले आएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इनवर्स, तो वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स और इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वन ज़ीरो ज़ीरो वन, और इज इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पर मैट्रिक्स है थ्री बाई फाइव माइनस का टू बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव एंड वन बाई फाइव वन बाई फाइव वन बाई फाइव, ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए इनवर्स है और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आती है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, एंड दिस इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में वन बाई फाइव, और ये भी हो जाएगा वन बाई फाइव। इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। तो आई होप क्वेश्चन आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस तरीके से हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे, और ये कौन सा मेथड है आपके पास, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे लग रहा है, रो ऑपरेशन, ठीक है ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू आपके पास फाइंड की गई है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर और यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, ए की वैल्यू हमारे पास है टू वन वन वन, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यू है और इसमें आपको क्या करना है, पहले हम इसको चेक करेंगे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इनवर्स, तो पहले इसका मॉड निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स बनाएंगे, डिटरमिनेंट्स में क्या होगा, मॉड करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू इंटू वन टू माइनस वन इंटू वन वन, एंड दिस विल इक्वल टू वन विच इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब ये आपका ज़ीरो नहीं हो रहा, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू आई इन टू ए, लेट ए इज इक्वल टू आई इन टू ए, ए की वैल्यू पुट करेंगे टू वन 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 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन ज़ीरो ज़ीरो वन, और यहाँ पर आप रखोगे ए को। इसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, इस मैट्रिक्स को यहाँ पर हमें बनाना है, तो क्या करोगे, इस मैट्रिक्स को यहाँ पर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, रो ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर वन बनाएंगे, उसके नीचे जीरो, फिर ये वन और फिर ये ज़ीरो। तो यहाँ पर देखिए वन बनाना है, तो आप सीधे देख सकते हो, अगर हम इससे इसको माइनस कर दो आपके पास वन हो जाएगा। तो आर वन टेंस टू क्या हो जाएगा, आर वन माइनस आर टू। जब आप आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू करोगे, देखो टू में से वन को माइनस करेंगे वन, और वन से वन को करोगे ज़ीरो, और ये वैल्यू क्या है, वन वन। यही ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन यहाँ भी इधर लगाएंगे राइट साइड पर,
वन माइनस जीरो वन एंड ज़ीरो माइनस वन ये हो जाएगा ज़ीरो वन। अब इसके नीचे वन चाहिए आपके पास, तो आर टू में चेंजमेंट कर रहे हैं, आर टू में क्या चेंजमेंट कर रहे हैं, आर टू माइनस आर वन। चलिए इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा वन ज़ीरो, इसको माइनस करेंगे ज़ीरो हो जाएगा वन ज़ीरो वन, ठीक है। और ये वन माइनस वन, इसको माइनस करेंगे हो जाएगा माइनस वन, और वन माइनस माइनस वन दैट विल इक्वल टू टू। अब देखिए यहाँ पर आपको वन चाहिए बना हुआ है, यहाँ पर आपके पास ज़ीरो चाहिए बना हुआ है, ठीक है। अब आप केवल इसको, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर बन गई है, ए इनवर्स को इधर कर देंगे राइट साइड पे, और ये आ गया वन माइनस वन माइनस वन टू, ठीक है। और ये देखिए ए इनवर्स आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई वन माइनस वन माइनस वन टू। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है ए इज इक्वल टू हमारे पास है वन टू थ्री सेवन। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं ए इनवर्स, तो उसके लिए आप पहले मॉड निकालेंगे डिटर्मिनांट्स वन टू थ्री सेवन। तो डिटर्मिनांट्स का हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, और टू प्लस टू के डिटर्मिनांट्स को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा वन सेवन जै वन माइनस थ्री टू जै सिक्स दैट विल इक्वल टू वन, ठीक है। तो यही डज नॉट इक्वल टू जीरो है, सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट। चलिए अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे, देखिए किस तरीके से वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर पहले हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे लेट ए इज इक्वल टू आई इन टू ए, इसके बाद एक और यहाँ पर पुट करेंगे, ए हमारे पास क्या है वन टू थ्री सेवन, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर रखेंगे वन ज़ीरो ज़ीरो वन, और ये आपके पास है ए। इसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ आपके पास वन चाहिए, फिर यहाँ ज़ीरो करेंगे, फिर यहाँ पर वन चाहिए और यहाँ पर ज़ीरो करेंगे, तो वन तो आपके पास बना हुआ है तो बहुत ईजी है, इसको जीरो करना है, तो इसमें टू का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दीजिए। चेंजमेंट किस में हो रहा है आर टू में, तो आर टू टेंस टू आर टू माइनस टू आर वन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वन थ्री, चलिए टू का मल्टीप्लाई करके जब इससे आप करोगे तो क्या हो जाएगा ज़ीरो, टू का मल्टीप्लाई करोगे सिक्स, और सेवन माइनस सिक्स कितना हो जाएगा वन। देखिए ये भी ईजी हो गया, यहाँ भी वन बन गया, ठीक है ना। हमें एट लास्ट में वन चाहिए था, वन पर बन गया यहाँ पर, ये तो क्या, ये भी काफ़ी ईजी हो गया। टू का मल्टीप्लाई करो और इस पर माइनस करो तो क्या हो जाएगा माइनस टू, फिर टू का मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे ये हो जाएगा वन। चलिए फिर आप क्या करोगे, इसमें जीरो कर, यहाँ वन चाहिए, वन बन गया है पहले से ही आपका, ठीक है। अब इसको जीरो करना है तो चेंजमेंट किस में करना है आर वन में, आर वन में क्या करना है आर वन माइनस थ्री आर टू। चलिए आर टू में थ्री का मल्टीप्लाई करके आर वन से माइनस करेंगे, वन हो गया ज़ीरो हो गया ज़ीरो वन हो गया, यहाँ भी यही काम करेंगे, ये हो जाएगा माइनस सिक्स, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस सिक्स, और वन माइनस माइनस सिक्स सेवन हो गया, यहाँ पर करेंगे थ्री हो गया, और ज़ीरो माइनस थ्री कितना हो गया माइनस थ्री, और ये आपके पास है माइनस टू वन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया ए इनवर्स, और ये आपके पास है वन ज़ीरो ज़ीरो वन एंड इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा सेवन माइनस टू माइनस थ्री वन। तो इस तरीके से हमारे पास जो ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है, ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है सेवन माइनस टू माइनस थ्री वन, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे, एक क्वेश्चन आपको तो और ले लिया जाए, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो क्वेश्चन कायदे से क्लियर हो जाएगा टू क्लास टू का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर किस तरीके से लगेगा, टू फाइव थ्री सेवन, ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू हमारे पास है टू फाइव थ्री सेवन। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप देखोगे ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो इसके पहले आप मॉड निकालोगे, ठीक है। मॉड निकाला मैंने, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन माइनस थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, तो वैल्यू क्या आ रही है माइनस वन, और ये भी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये देखिए ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड करेंगे, तो लेट ए इज इक्वल टू आई इन टू ए, लेट ए इज इक्वल टू आई इन टू ए, यहाँ पर आप ए की वैल्यू पुट करोगे टू फाइव थ्री सेवन, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर रखेंगे वन ज़ीरो ज़ीरो वन, और ये मैट्रिक्स यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाना है, पहले वन फिर ज़ीरो फिर वन फिर ये ज़ीरो। तो यहाँ पर बनाने के लिए देखो आप क्या कर सकते हो, अगर इसमें थ्री का मल्टीप्लाई कर दो सिक्स हो जाएगा, और सिक्स से फाइव को माइनस कर दो वन हो जाएगा, तो चेंजमेंट किस में हो रहा है आर वन में, तो आर वन में क्या चेंजमेंट हो रहा है थ्री आर वन माइनस का आर टू, ठीक है। चलिए थ्री का मल्टीप्लाई करिए सिक्स, और सिक्स माइनस फाइव इक्वल टू वन, थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे नाइन, और नाइन माइनस सेवन टू हो जाएगा, और ये आपके पास है फाइव, ये है सेवन। चलिए यहाँ पर देखते हैं थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे थ्री, और थ्री माइनस जीरो वैल्यू हो जाएगी थ्री।
थ्री का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, और ये आपके पास है जीरो वन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देखोगे, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ज़ीरो चाहिए। ज़ीरो किस में चाहिए? आर टू में। तो आर टू में क्या ऑपरेशन लगाएंगे? आर टू माइनस क्या लगाएंगे भाई? फाइव आर वन कर देंगे। ठीक है, फाइव आर वन। ठीक है, आर टू में क्या कर रहा है, इसमें फाइव को मल्टीप्लाई करके इससे जब माइनस करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा वन टू, और इसमें जब आप फाइव को मल्टीप्लाई करके ज़ीरो करोगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, माइनस करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, और इसमें जब फाइव को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया? टेन। फाइव टू जो टेन, और सेवन में से टेन को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस थ्री। ठीक है, फाइव से थ्री को माइनस करेंगे, फाइव से थ्री को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा फिफ्टीन। ये थ्री है, ये माइनस वन है, और इससे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? फिफ्टीन। और ज़ीरो में से फिफ्टीन को माइनस करेंगे, माइनस फिफ्टीन हो गया। इसके बाद में फाइव को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव, और वन माइनस माइनस फाइव कितना हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा, और ये हमारे पास है ए। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो करना है। तो लास्ट में जब भी ज़ीरो करना होता है क्या कहा था मैंने, जो भी वैल्यू है सीधे डिवाइड कर दीजिए। तो आर टू में चेंजमेंट है तो माइनस का वन बाई थ्री आर टू, ये हो जाएगा वन टू, डिवाइड करेंगे ज़ीरो, ये हो जाएगा वन। इसके बाद में जब यहाँ पर आप करोगे, यहाँ पर देखिए थ्री से डिवाइड करेंगे फाइव हो जाएगा, यहाँ थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का टू। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का टू, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, एक काम थोड़ा सा और ये देखें, यहाँ पर क्या था, आर टू माइनस था क्या यहाँ पर, एक मिनट ज़रा चेक कर लें। यहाँ पर जब आपने आर वन में चेंज किया तो माइनस वन हो गया। ठीक है, यहाँ पर जब चेंज किया तो ये हो जाएगा फाइव का मल्टीप्लाई किया माइनस फाइव, और वन प्लस सिक्स। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, और ये हमारे पास क्या है, ए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब चलिए इसके बाद में क्या करना है, इसको ज़ीरो करना है तो टू का मल्टीप्लाई करके ज़ीरो कर देंगे। तो क्या ऑपरेशन निकलेगा, आर वन में आर वन माइनस टू आर टू। ठीक है, तो ये ऑपरेशन यहाँ पे लगाना है। चलिए यहाँ पे लगाते हैं, तो आर वन में क्या करेंगे, आर वन माइनस टू आर टू, आर वन टेंस टू आर वन माइनस टू आर टू। जब आप ये ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आप देख पा रहे हो, जब इसमें टू का मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर रहे हो तो ये हो जाएगा वन। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो वन। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर वैल्यू आपके पास देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये जब इस पर आप मल्टीप्लाई करोगे, एक मिनट, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टू का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, सिक्स। ठीक है, तो टू का मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स हो जाएगा। एक मिनट, क्या ऑपरेशन निकला था, हाँ, आर टू में टू का मल्टीप्लाई करके आर वन से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, फाइव टू ज़ा टेन, और टेन से जब आप माइनस करोगे किसको, थ्री को, तो थ्री माइनस टेन कितना हो जाएगा, माइनस सेवन। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस सेवन। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस फोर, और जब इससे माइनस करेंगे तो माइनस वन प्लस फोर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हो जाएगा थ्री, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास थ्री। और फिर हमारे पास क्या है, फाइव माइनस टू, फिर हमारे पास क्या है, फाइव माइनस टू और इज इक्वल टू क्या है, ए। अब यहाँ पे क्या करोगे, ए को इधर ले आओगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इनवर्स, ये हो जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो वन, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस सेवन फाइव थ्री माइनस टू। इसके बाद आप क्या कर, सॉरी ये प्लस का है, तो ए इनवर्स का ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस सेवन फाइव थ्री माइनस टू, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वर्क है वो क्वेश्चन नंबर फाइव टू फोर्टीन, फाइव टू फोर्टीन नंबर को जो क्वेश्चंस हैं ये आपको सॉल्व करने हैं। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, और रो ऑपरेशन का ही यूज़ करके क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, रो ऑपरेशन का यूज़ करिएगा सब में, और फिर हम इसको चेक करेंगे कल और आगे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।